स्वागत है टेक विला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं व्हाट्सएप में मैसेज को एडिट कैसे करें भेजने के बाद। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू एडिट योर व्हाट्सएप मैसेज आफ्टर सेंड। तो अगर आप मैसेज को भेज चुके हैं और उसके बाद उसको एडिट करना चाहते हैं तो ऐसा आप व्हाट्सएप में किया जा सकता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये सुन के ताज्जुब हो रहा होगा कि ऐसा भी क्या व्हाट्सएप में किया जा सकता है कि मतलब हमने कोई मैसेज भेज दिया, अब हम उसको फिर से एडिट कर दें। तो मतलब जो लोगों ने पढ़ा है वो बाद में जब उसको देखेंगे तो उनको दिखेगा कि वो तो चेंज हो चुका है। तो चलिए हम बताते हैं उसको आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम व्हाट्सएप के अंदर में चले जाते हैं और व्हाट्सएप के अंदर में आपको वहाँ चले जाना है जहाँ पर आपको वो मैसेज भेजना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखी है यहाँ पर, हाय ब्रो कल चलना है, और ये मैंने मैसेज भेज दिया। दोस्तों ये जो है इसको मैं एडिट अगर करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इस पर टैप करे रहना है। उसके बाद ऊपर देखेंगे एक राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में 3 डॉट देख रहे हैं, उस पर क्लिक करिए और यहाँ एडिट का बटन आ जाता है, एडिट पर क्लिक करिए। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर हाई ब्रो कल चलना है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ हाई ब्रो परसों चलना है। तो आपने देखा कि ये जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये लिखा आ गया हाय ब्रो परसों चलना है। और बस उसके जस्ट बाजू में एक एडिटेड वाला ऑप्शन दिया है जिसमें मैंने उस मैसेज को कब एडिट किया है ये वहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो ये इस तरह से दोस्तों आपको व्हाट्सएप के अंदर में आपका भेजा हुआ मैसेज आप एडिट कर सकते हैं, एडिट योर मैसेज आफ्टर सेंड। तो ये कितनी देर तक चलता है दोस्तों इसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसके बारे में पता नहीं है कि ये कितनी देर तक इसको एडिट किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी 1:01 तक किया था, उसको हम फिर से एडिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस मैसेज को हम एडिट कर पा रहे हैं, मतलब 5 मिनट तक तो मैं इस मैसेज को एडिट कर पा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं इस मैसेज को एडिट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप 5 मिनट तो बेसिकली यहाँ पर हमें दिया ही गया है एडिट करने के लिए। इस तरह से आप जो है दोस्तों मैसेज को सेंड करने के बाद भी एडिट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आई होप आपको समझ आ गया।